डंडे के, के दम पे निकलवाएंगे डंडे के दम पे और डंडे के दम पे निकलवा के रहेंगे जो आप कर सकते हो वो आप करो कोई जेल नहीं रोक सकती हमारी बलि देकर भी अगर किसानों का भला होता तो उस जो सोच का अक्षय नरवाल है भगत सिंह की सोच का अक्षय नरवाल है भगत सिंह को जानने वाला अक्षय नरवाल है भगत सिंह को मानने वाला अक्षय नरवाल है यदि वहाँ पे रिया नहीं किया गया सोमवार तक तो पूरे हरियाणा सतर्क बैठक टोल के ऊपर बुलाई जाएगी और हरियाणा के

भाई जेड़ से जिस टाइम पर परिवार के सदस्य मिलकर के बाहर आए थे वो वीडियो भी हमने बनाई थी लेकिन आज जींद में हजारों की संख्या में जो किसान इकट्ठे हुए हैं क्या कुछ फैसला लिया है अक्षय नरवाल के भाई जो भाई है जय भी पहुंचे यहाँ पर भाई जी क्या कहना चाहेंगे जो किसान इकट्ठा हुए हैं देखिए अजय भाई सबसे पहले तो मैं बता दू मैं अक्षय नरवाल का भाई नहीं हूँ आप देख सकते हैं भीड़ो आज आपने और भी किया ये सारे अक्षय नरवाल के भाई है और ये सारे अक्षय नरवाल है और दूसरा जो आज हुआ है हमने अल्टीमेटम दिया है और अल्टीमेटम यह दिया है कि सोमवार तक या तो छोड़ दें वरना हमें पता कैसे छुड़वाने आते हैं जैसे आप लोगों ने रात को लास्ट टाइम आपके ही चैनल पे इंटरव्यू हुआ था और अक्षय ने कहा था अगर हमारी बल्ली भी जाती है तो हमारी बलि देकर भी अगर किसानों का भला होता तो उस जो सोच का अक्षय नरवाल है भगत सिंह की सोच का अक्षय नरवाल है भगत सिंह को जानने वाला अक्षय नरवाल है भगत सिंह को मानने वाला अक्षय नरवाल है।, है और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं अक्षय नरवाल ने कल बात हुई हमारी एडवोकेट के माध्यम से अक्षय नरवाल ने भगत सिंह के कुछ दस्तावेज किताबें मंगाई हैं और मैं तो कहता हूँ कि तीन साल की देरी हुई है भगत सिंह तो तेईस की साल में गया था और अक्षय नरवाल तो छब्बीस की साल में गया है लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ ना रुके हैं ना दबे हैं ना झुके हैं और ना डरे हैं आप लोगों की जो अक्षय नरवाल के पैट डायलॉग है उनको रिपीट कर देता हूँ कन्ना बलगाम है डंडे के दम पे निकलवाएंगे डंडे के दम पे और डंडे के दम पे निकलवा के रहेंगे जो आप कर सकते हो वो आप करो कोई जेल नहीं रोक सकती हमें पता है किसानों को पता है जो हर एक चीज को बनाने वाला है कि हमें जेल खुलवानी भी आती है और जैसे विकास सी सर भाई आई थी और रात को खोल के जैसे आपने रात को डाला था हमें बाहर निकालने भी आते हैं बिल्कुल ये हौसला और जो जुनून सुशील भाई एक बार आ, आ जाइएगा इस तरफ है ये देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि भगत सिंह की तरह हमने तो समाज को सौंप रखा है इससे पहले भी इसके भाई शमशेर ने कहा था कि किसान कौम के लिए हमने तो हमारे बेटे को हमारे भाई को दान दे रखा है और भाई किसान आंदोलन को लेकर के चाहे जब तेरह महीना आंदोलन चला था उस टाइम पर भी अक्षर नरवाड़ की अहम भूमिका रही थी सिंगू बॉर्डर के ऊपर भी वो हमने तमाम तस्वीरें दिखाई थी प्रियंका बहन जी क्या कुछ फैसला लिया गया है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है देखिये लगातार दो दिन से हम सोशल मीडिया के ऊपर भी बोल रहे हैं और गाँव सत्र बैठ कर चल रही है सरकार इस बात को हड़के में ले रही है की हरियाणा के किसान कुछ नहीं करेंगे आज आपने देखा भी आज तो केवल हमने ज्ञापन दिया हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के आज तो हमने भगत सिंह की तरह क्या नाम है गांधी गांधीवादी हमने

के ऊपर और दूसरा उनके साथ जैसे जो कैदी है वो जेल के अंदर भी बाहर घूम रहे उधर लेकिन उनको तो सलाखों के पीछे ही कैद कर दिया है हम एक बात तो ये कहना चाह रहे हैं प्रशासन को कि उनके साथ ऐसा रवैया ना किया जाए वरना तो हम और बड़ा कोई कदम उठाएंगे तो भगत सिंह की विचारधारा पे काम करने वाले लोगों को के मैं ना ले एक बात तो हम सरकार को यह कह रहे हैं दूसरा हमने यहाँ से फैसला लिया है जो एस साहब है चार बजे हमारी नरवाना के अंदर मीटिंग होगी यदि वहां से हमें कोई संतोषजनक जवाब मिलता है वरना हमने

जो संघर्ष के साथी तीनों को जो गिरफ्तार किया गया है जब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा जब तक शांति से किसान नहीं बैठेंगे ये पोस्टर के ऊपर आप देख सकते हैं कि वर्तमान के भगत सिंह किसान नेता अक्षर नरवाल वो उनके साथियों को रिहा करो यानी कि भाई जो यहाँ पर अब हजारों की संख्या में जो किसान इकट्ठा हुए थे इनकी एक ही बात थी कि अक्षर नरवाल को बाद में पहले जो उसके जो किसान साथी है अक्षर ने भी खुद ये बात कही है कि पहले इनको छोड़ना क्योंकि नरवाल ने तो काफी आंदोलन देखे हैं किसान आंदोलन जैसा तो ऐतिहासिक आंदोलन देखा ही देखा है लेकिन उससे पहले भी सैकड़ों आंदोलन का हिस्सा अक्सर नरवाल रह चुके हैं क्या कहना चाहेंगे बहन जी जो भी सरकार का रवैया किसानों के प्रति है ये गलत है और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया और मुकदमे दर्ज किए गए ये तो बिल्कुल ही संविधान का हनन है सभी को दिखाई दे रहा है इस तरह से किसी को भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती शांति से बच्चे जा रहे थे उनको बीच रास्ते में रोका अरेस्ट किया और आज जेल में बंद है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है अक्षय नरवाल वीरेंद्र और एक भाई और है उनका नाम पर ये तीनों एक परिवार के एक माँ बाप के बच्चे नहीं ये पूरे हरियाणा के किसानों के बच्चे हैं और मैं सभी संगठनों से अनुरोध करती हूँ अक्षय नरवाल सभी संगठनों के साथ खड़ा होता था अपने पूरे मोर्चे के साथ आज सभी संगठनों से मैं अनुरोध करती हूँ कि उन बच्चों के लिए सभी संगठन एक तर हों और उनको रिहा कराने के लिए एक आवाज में और एकता के साथ खड़े हों और सरकार को दिखा दें क्षा नरवाड़ और ये परवीन और वीरेंद्र अकेला नहीं है पूरा हरियाणा पूरी कॉम्युनिटी और सभी संगठन उनके साथ है से हमारी, व्याचारिक थी, तो हमारी विचारों की लड़ाई है हम किसानों के हक की लड़ाई की बात करते हैं यानी कि जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है कि धारा तीन जैसे जो मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए गए हैं ये सरासर प्रशासन की गलती है क्या कहना चाहेंगे सुशील भाई

आंदोलनकारियों के लिए जेल के अंदर भी एक जेल होती है क्योंकि वो अंदर जो सेल में बंद करते हैं उसमें सीन को बाहर नहीं निकलने देते नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि धरना ये नाव अगली बार जेल के बाहर लग जाए या फिर हमने हो सकता है किसी न किसी बहाने आपके पास आना पड़ जाए आपसे निवेदन है जो बाकी कैदियों की, की तरह व्यवहार है किसानों को उससे अच्छा व्यवहार करना दिया जाए मैं बिल्कुल इस तरह का कोई भी जो अगर दोबारा को लाई अक्शय कि इस मामले में तो अगला तो धरना हो जेल के बाहर ना लगे जाए आप अपने तैयारी कर लीजिए जेल के बाहर धरना लगाने की बात कही जा रही है जी बिल्कुल क्योंकि अंदर जेल के अंदर जेल हा? आप चौबीस घंटे में से पंद्रह मिनट के लिए बाकी साथियों से मिलने नहीं देना हा? बाकी बैरकों में नहीं जाने देना भोजन आपका जो आपका खाना है वो छः बजे जो दोपहर का खाना सुबह छः बजे आ जाता है मतलब कोई आपका कुछ भी बाहर से अंदर नहीं जाने देना कपड़े जो कपड़े भी ये मानिए कि सब कुछ अंदर

है। उसकी हिम्मत और हौसला का तो है एडवोकेट साहब क्या कहना चाहेंगे इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के जिस, ले तो प्रशासन ने जो इतनी सारी ढेरों दाराएं लगा दी जी। मतलब ये किसी समझदार आदमी का काम तो है ही नहीं मतलब इतनी तुरत फुर्त के अंदर उन्होंने सोचा इन दो चार व्यक्तियों के ऊपर जो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बीच में पुल का काम कर जैसे हमारे भाई ने बताया पीछे हुँ, हुँ. उन लोगों को पकड़ कर ये बातचीत ना हो सके हुँ. और एक्चुअल में एमएसपी का कानून ना बन सके या हुँ. किसानों के भलाई के लिए जो हुँ. सारे फंडामेंटल राइट्स आने हैं किसानों के लिए जो एमएसपी का कानून आना है हाँ. और जो उनको सी टू प्लस फिफ्टी परसेंट वाला जो एक सिस्टम मिलना है उन सब चीजों के दबाने के लिए जो इस तरह पे किया जा रहा है किसान नेताओं को जो पकड़ा जा रहा चिन्हित करके ये बहुत ही गलत हुआ है और जिन लोगों ने तुरंत फुरत के अंदर इस प्रकार की धाराएं लगाई हैं वो प्राइमर फैसाई साफ-साफ दिखाई देता है कि टोटली विद इंटेंशन गलत लगाई है क्योंकि उन्होंने कहा 307 के उनका लाठी डंडे तरवार पता नहीं क्या-क्या बातें लिखी हम लगातार वीडियोस में देख रहे हैं कोई भी चीज उनके पास ही नहीं थी इवन पुलिस के पास और सीआरपीएफ के पास वेपन्स थे और वहां पे वो बल का प्रयोग कर रहे थे और उल्टा यह बात कहना कि वो लोग उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे थे hmm. ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात hmm. है देखिए डेमोक्रेसी के अंदर भारत के संविधान के तहत hmm. आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं hmm. और आपके पास राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है hmm. नो बडी कैन स्टॉप यू hmm. नो बडी कैन से कि आप यहां पर बैठ के धरना नहीं दे सकते हैं वो लोग वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे थे बल्कि सरकार की गलती है सरकार के प्रशासन की गलती है प्रशासन में पदाधिकारियों की गलती है जो इस समय पे नेशनल हाईवे को जाम कर रहे हैं जो इस समय पे आम यातायात को रोक रहे हैं जिसके लिए कही न कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक मानसिकता बनाई जा रही है कि किसानों की वजह से ऐसा हो रहा है भाई किसानों की वजह से ऐसा नहीं हो रहा वहां पर बैरिकेडिंग किसने लगाई वो प्रशासन ने लगाई, लगाई। वहां पर वो किले किसने लगाई वो प्रशासन ने लगाई वहां पर इंटरनेट किसने बंद किया प्रशासन ने बंद किया भाई प्रशासन का इंटरनेट तो चल रहा है वो तो अपनी जानकारियां ले दे सकते हैं लेकिन किसान भाइयों के साथ जो बीत रही है उसकी बातें कैसे पहुंचेंगी और आप लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसानों की जो पोस्ट है किसान भाइयों की जो आवाज उठ रही है उस पूरी की पूरी बातों को दबाया जा रहा है उनकी रीच को घटाया जा रहा है तो आपके जैसे सस्पेंड कर दिए गए फेसबुक पेज है अभिमन्यु कुर्ड जो नेता बताने लग रहे थे कि डल्लेवाड़ का अभिमनु उनके ट्विटर तक सस्पेंड कर दिए गए हैं यही तो सबसे बड़ी गंभीर बात है कि दो से इस देश किंदर क्या चल रहा है ऐसा कि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी आप कोई सरकार के खिलाफ या किसी के के खिलाफ, के खिलाफ या किसी यूएन के 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 एजेंडा एजेंडा खिलाफ खिलाफ कुछ ऐसे वैश्विक सर, जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ जब आप बोलते हैं तो आपकी वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है आपके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है आपकी बातों को सेंसर किया जाता है तो ऐसा चल क्या रहा है और ये पूरा का पूरा मीडिया जो सोशल मीडिया है वो कही न कहीं ना कहीं आपके और, और, और हमारे जैसे डिजिटल और थमले नहीं बातों को भी सेंसर किया जा रहा है बिल्कुल किया जा रहा है देखिए आपके अगर चैनल्स को रोका जाएगा हाँ। आपके वीडियोस को रोका जाएगा हाँ। कहीं ना कहीं वो आपको नकारात्मक संकेत दे रहे हैं हाँ। कि आप इन चीजों को मत कवर कीजिए इसका मतलब अधिवक्ति की आज़ादी अच्छा। इस समय पे खतरे में पूरी की पूरी पड़ चुकी है और ये सोशल मीडिया कंपनीज़ के ऊपर इस समय पे बहुत बड़ी जांच बैठाने की आवश्यकता है कि किसके ऑर्डर से किसके कहने पे ये सोशल मीडिया कंपनीज़ जो हैं इस प्रकार से रीच को घटाती हैं और कहीं ना कहीं इन किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है जो पूरे वैश्विक स्तर पर हो रहा है आपने देखा होगा जर्मनी के अंदर भी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ हुई थी एक्टिविटीज़ पीछे यूरोप के अंदर चल रहा है इंग्लैंड में कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी फ्रांस में हुई थी इवन वहां तो लोगों ने गोबर तक जो है अपने पार्लियामेंट के वहाँ ले गए थे अपने प्राइम मिनिस्टर के पास ले तक ले गए थे प्रेजिडेंट के पास तक तो इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं पूरे विश्व के अंदर तो पूरे विश्व की जो कैपिटलिस्ट लॉबी है वो इस प्रकार से क्लाइमेट के नाम पर और किसानों को ख़त्म करके किसानों के सारी ज़मीनें काबू करके और उसके ऊपर कॉरपोरेट कराने का परमानेंट कब्जा करवाना चाहता है और ये सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं उसी का भाग है इसीलिए ये लोग सोशल मीडिया मुख्य सोशल मीडिया कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रही है। वरना तो हैं। वरना क्यों होता है उसके संघर्ष के लिए सब साथिया पहुंचे संजीव जी नाम है संजीव जी क्या कहना चाहेंगे तीन जो किसान साथी है उनको जेल में डाल दिया गया है बिल्कुल अन्याय किया गया है जी और बिना किसी सबूत के और उनके ऊपर झूठा मुकदमा ये दर्ज किया गया है और 307 जैसी संगीन धारा लगाकर अपनी अक्षमता दिखाई है प्रशासन ने कि कितने वो समझदार और पढ़े लिखे हैं कि भी जरा सी बात को लेकर बिना सबूत के आम आदमी को दबाने के लिए कुचलने के लिए किसान को नेता को जो है ये 307 लगा दी तो जहाँ 307 लगनी चाहिए जहाँ तथ्य होते हैं वहाँ तो ये सो जाते हैं और आम किसान नेता जिसके पास कोई हथियार नहीं था कोई चीज़ नहीं थी जिसने कोई अटैक नहीं किया और जिससे भाइयों ने बताया कि भी वो इनके बीच में कड़ी का काम कर रहे थे नेताओं के इनके बीच में और एमएसपी की डिमांड रख रहे थे या अपना शांतिपूर्वक बातें रख रहे हैं उन लोगों को पकड़ के ले जा उनके ऊपर केस बनाना जुठा और इस तरीके से दबाव बनाना और सारी गलत धाराएँ लगाना ये अपने आप में ही गलत है प्रशासन को अपनी भूल सुधारनी चाहिए और जनता में विश्वास कायम करना चाहिए नहीं तो जनता यही मानेगी कि जिसकी मर्जी आएगी उसके खिलाफ जो मर्जी धारा लगा ले प्रशासन में हम भी रहे हैं तो यहाँ डीएम को एसपी साहब को भी देखना चाहिए कि भाई अगर इस तरह के बगैर सबूत के मामलों में अगर आप 307 लगाएंगे तो ये आप मजाक बना रहे हैं इस सारे कानूनों का मजाक बना रहे हैं हाँ। और अगर पॉलिटिकल दबाव अगर आता है तो उनके कहने के ऊपर भाई जहाँ लगनी चाहिए वहां तो लगाएं जिनके ऊपर बनना चाहिए धारा लगनी चाहिए जिनको खालिस्तानी कहना चाहिए उनको तो आप कुछ करते नहीं जो आदमी देश के लिए उसनेवाड़ा बॉर्डर में जाके भगत सिंह जी की याद के अंदर जिसने दो चम्मच घी की हर घर से इकट्ठी की और वहाँ जोत जला के आए हम भी गए वहाँ पर और पैदल यात्रा से भी गए अक्षय नरवाल भी उसके अंदर सोच के अंदर ये शामिल थे जिनके अंदर मन में विचार आया कि इसको हम करें और उन्होंने जनता के सहयोग से काम किया जो जनता की सेवा करने वाले हैं जिनका कोई इतिहास क्रिमिनल का नहीं है ऐसे आदमी को बिना जानकारी लिए और तीन जैसा पर्चा दर्ज करना ये बहुत ही संगीन अपराध किया है मैं ये कहूँगा कि जिस अधिकारी ने यह दर्ज किया उसने बिल्कुल अपराध किया है उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि गलत तथ्यों के आधार पे और झूठा मुकदमा दर्ज करना ये गलत है जी कोई बात इसमें एक बात और बहुत गंभीर है वो ये कि किसानों के खिलाफ यूएवीज़ का प्रयोग किया जा रहा है यूएवी यानी कि अनमैंड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स ऐसे इक्विपमेंट्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऐसी टेक्नोलॉजीज ऐसे डिवाइसेस, जिनके अंदर की आदमी या आदमी जात कोई डायरेक्टली नहीं बैठी होती उसको रिमोट कंट्रोल तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है उन व्हीकल्स का उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय पे किसानों के खिलाफ आपके देश की जनता के खिलाफ जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है यूनाइटेड नेशन की डिफरेंट ट्यूटिटीज़ हैं उनके भी अगेंस्ट जाता है और इस प्रकार से जो ये टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए और जैसा अभी हमने कुछ वीडियोस में देखा कि मोटार्स तक जो है वो छोड़े गए छोड़े हैं गए। और एक प्रकार से पंजाब को पूरे देश से अलग करने की मुहिम चल रही है पंजाब को जो है पूरा बैरिक्रेड कर दिया चारों तरफ से तो ये क्या कर रहे हैं आप हाँ, पंजाब को अलग करना चाहते हैं हमारे देश से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को और सभी जनता को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हम देश की संप्रभुता को खतरे में नहीं पड़ने देंगे और देश की अखंडता एकता को बरकरार रखते हुए अगर कोई भी दल या प्रशासन का कोई नुमाइंदा या फिर वो डीप स्टेट वो शेडो गवर्नमेंट के कुछ व्यक्ति ऐसा कोई षड्यंत्र करते हैं कि हमारे देश के किसी राज्य को हमारे देश से अलग करने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी इस साजिश को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे और इसके लिए जो भी बन पड़ेगा हम डेफिनेटली करेंगे बिल्कुल चलो तो मैं फिलहाल वीडियो आपने देख ली है अक्षय नरवाल युवा किसान नेता की रिहाई के लिए यहाँ पर हजारों किसान पहुंचे थे और उन्होंने अल्टीमेटम प्रशासन उन्हों को दे भी दिया है सोमवार तक या तो भाई अक्षर नरवाल और जो उसके दो युवा किसान साथी है उनको छोड़ दे नहीं तो हरियाणा के अंदर जो टोल प्लाजा है उनको फ्री करवा जाएगा और जो भी कई अन्य एक्टिविटी किसानों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे करके कह दिया है कि हमें कोई भी एक्टिविटी करनी पड़े लेकिन युवा किसान नेताओं को बाहर हम छुटवाएंगे ग्राउंड मीडिया अपने कैमरा के साथ मैं जबारद्वाज राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें